Hello friends, welcome to my channel Tech Genie. So finally the wait is over and Samsung ke much anticipated smartphones Samsung Galaxy S9 and Samsung Galaxy S9 Plus has been unveiled at the MWC event. Aur ye dono smartphones ka India mein Monday se pre-booking bhi chalu ho chuka hai. ये दोनों स्मार्टफोन्स में कैमरा को लेके काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स किए गए हैं एंड पिक्सल विजन को भी इम्प्रूव किया गया है. साथ ही में इसमें नए फीचर्स को भी ऐड किए गए हैं जैसे कि फेस रिकग्निशन एंड AR इमोजेस. ये दोनों फोन्स के टॉप एंड बॉटम में बेजल्स को भी कम किया गया है. तो चलिए अब आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल हिट द सब्सक्राइब बटन प्रेस द बेल आइकन टू स्टे ट्यून्ड फॉर द लेटेस्ट वीडियोस. एंड जो फ्रेंड्स जिन्होंने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड आशा है कि आप सब ये वीडियो एंड तक देखें बिकॉज मैं आगे ये भी बताने वाली हूँ कि इंडिया में आप ये दोनों फोन्स के प्री बुकिंग कैसे कर सकते हो. तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं. सैमसंग गैलेक्सी S9 एंड सैमसंग गैलेक्सी S9 प्लस ये दोनों स्मार्टफोन्स मार्च 16 को सिलेक्टेड एरियाज में लॉन्च होने वाले हैं. बट ये दोनों स्मार्टफोन्स इंडिया में कब लॉन्च होने वाले हैं इसकी कोई श्योरिटी या फिर न्यूज़ नहीं है. तो चलिए सबसे पहले ये दोनों स्मार्टफोन्स के फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस पे क्विक नज़र डालते हैं. सैमसंग गैलेक्सी S9 में 5.8 इंच का फुल HD प्लस कर्व सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है जबकि S9 प्लस में 6.2 इंच का फुल HD प्लस कर्व सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है. ये दोनों स्मार्टफोन्स में 18.5:9 का एस्पेक्ट रेशो है एंड स्क्रीन रेजोल्यूशन है 1440 pixels × 2960 pixels का. अगर प्रोसेसर की बात करें तो ये दोनों स्मार्टफोन्स में ऑक्टाकोर प्रोसेसर दिया गया है विच इज़ एन कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कोर्स ऑफ 1.7 GHz एंड 4 कोर्स ऑफ 2.7 GHz एंड साथ ही में इसमें सैमसंग एक्सिनोस 9810 का चिपसेट भी दिया गया है. अगर रैम की बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी S9 में 4GB का रैम है जबकि सैमसंग गैलेक्सी S9 प्लस में 6GB का रैम है. एंड स्टोरेज की बात करें तो ये दोनों स्मार्टफोन्स में मल्टीपल स्टोरेज वेरिएंट्स अवेलेबल है जो कि है 64GB, 128GB एंड 256GB. ये दोनों स्मार्टफोन्स में एक्सप्लिसिटली मेमोरी कार्ड स्लॉट भी दिया गया है जिसमें आप मेमोरी कार्ड से 400GB तक मेमोरी को भी एक्सपेंड कर सकते हो. सैमसंग गैलेक्सी S9 एंड गैलेक्सी S9 प्लस ये दोनों स्मार्टफोन्स विल रन ऑन एंड्रॉयड ओरियो 8.0 एंड दोनों स्मार्टफोन्स आर IP68 वाटर रेजिस्टेंट एंड डस्ट रेजिस्टेंट. तो चलिए अब कैमरा की बात करते हैं. सैमसंग गैलेक्सी S9 में प्राइमरी कैमरा यानी कि रेयर कैमरा है 12 MP का और इसका अपर्चर है f1.5 टू अपर्चर f2.4 जबकि सैमसंग गैलेक्सी S9 प्लस में डुअल रेयर कैमरा सेटअप दिया गया है जिसमें से एक कैमरा है 12 MP का और उसका अपर्चर है f1.5 टू f2.4 जबकि दूसरा कैमरा भी है 12 MP का और उसका अपर्चर है f2.4. ये दोनों स्मार्टफोन्स में फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा एकदम आइडेंटिकल है वो कि है 8 MP का और उसका अपर्चर है f1.7. तो चलिए आप कनेक्टिविटी की बात करें तो ये दोनों स्मार्टफोन्स में GB LTE कनेक्शन है. साथ ही में इसमें डुअल बैंड वाईफाई 802.11ac है, ब्लूटूथ वर्जन 5 है, ऑब्वियसली GPS एंड NFC भी है. साथ ही में इसमें UCB टाइप सी पोर्ट भी है एंड यस 3.5mm का ऑडियो जैक भी दिया गया है जो कि लोग बोल रहे थे कि शायद से ये फोन्स में ना हो. एंड सैमसंग गैलेक्सी S9 एंड S9 प्लस ये दोनों स्मार्टफोन्स के रेयर पैनल में फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है. बैटरी की बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी S9 में 3000 mAh की बैटरी है जबकि सैमसंग गैलेक्सी S9 प्लस में 3500 mAh की बैटरी है. ये दोनों स्मार्टफोन्स 4 कलर वेरियंट्स में अवेलेबल रहेंगे जो कि है मिडनाइट ब्लैक, कोरल ब्लू, टाइटेनियम ग्रे एंड लिलैक पर्पल. तो चलिए अब बात करते हैं दोनों फोन्स के प्राइसिंग को लेके. सैमसंग गैलेक्सी S9 का US में प्राइस है $720 जो अप्रॉक्सीमेटली होता है 46,000 Indian rupees में और सैमसंग गैलेक्सी S9 प्लस का प्राइस है $840 जो अप्रॉक्सीमेटली होता है 56,000 Indian rupees में. फिलहाल तो कुछ श्योरिटी नहीं है कि दोनों स्मार्टफोन्स के इंडिया में प्राइस क्या होंगे. तो ये थे सैमसंग गैलेक्सी S9 एंड S9 प्लस के फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस. तो चलिए अब देखते हैं कि ये दोनों स्मार्टफोन्स को आप इंडिया में कैसे प्री बुक कर सकते हो. ये दोनों स्मार्टफोन्स को आप या तो ऑनलाइन स्टोर या तो ऑफलाइन स्टोर से प्री बुक कर सकते हो. ऑनलाइन स्टोर से प्री बुक करने के लिए आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ₹2000 का इनिशियल पेमेंट करना पड़ेगा और इसके साथ आपको एक बेसिक फॉर्म भी फिल करना पड़ेगा जैसे कि आपका नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर या तो फिर आपको कौन सा कलर वेरिएंट का फोन चाहिए. प्री बुकिंग होने पे आपको वेबसाइट के थ्रू SMS एंड ईमेल आईडी पे कंफर्मेशन भी आएगा और
साथ ही में आपको ये भी बताया जाएगा कि आपको बैलेंस पेमेंट कौन से डेट तक पे करना है। अगर आपने बैलेंस पेमेंट वो ड्यू डेट तक नहीं पे किया तो विद इन नेक्स्ट 7 वर्किंग डेज आपका इनिशियल अमाउंट यानी कि 2000 रुपीज आपको रिफंड किया जाएगा। एंड ऑफलाइन प्री बुकिंग करने के लिए आप कोई भी सैमसंग के रिटेल स्टोर पे जाएं, वहां पे प्री बुकिंग ऐप के थ्रू ये सेम प्रोसीजर फॉलो कीजिए। एंड ऑफलाइन स्टोर पे प्री बुकिंग करने के लिए भी आपको 2000 रुपीज का इनिशियल पेमेंट करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, ये थी बात सैमसंग गैलेक्सी S9 एंड गैलेक्सी S9 प्लस की। एंड अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल टेक जीनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।